समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने से रोका गया, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया है और प्रदर्शन करने लगे। यूपी के कन्नौज में भी सपा कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर योगी मोदी के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इसके साथ ही योगी का पुतला भी फूंका गया। सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह लोकतंत्र की हत्या है। आपको बता दें कि सपा नेता हबीब हसन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया गया। सांसद प्रतिनिधि नवाब सिंह यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन सदर SDM शैलेश कुमार को सौंपा। जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिरफ्तार किया गया, उन्हें सभा नहीं करने दी गई, लोकतंत्र की हत्या, उसके विरोध में हम समाजवादी लोग सड़कों पे उतर कर संघर्ष कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जन्म संघर्ष की कोख से हुआ है। आज हम समाजवादियों ने जिला अस्पताल के बाहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंक कर विरोध कराया है। जैसा कि हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को आज एयरपोर्ट पर इलाहाबाद नहीं जाने दिया गया है, इससे ये सिद्ध हो गया है कि ये तानाशाह सरकार अखिलेश यादव से घबरा चुकी है।